डीसीडब्ल्यू ने पिटीशन डाली थी कि क्योंकि अभी तक रिफॉर्म का जो प्रोसेस है वो जुवेनाइल का वो कंप्लीट नहीं है और जो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाती हैं, इंक्लूडिंग आईबी रिपोर्ट और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की रिपोर्ट, और जो रिफॉर्मेशन यानी सुधार के लिए जो कार्यक्रम था वो भी कुछ सेट प्लेस में नहीं था। इसलिए जो इंटरप्रिटेशन अर्ज की गई थी डीसीडब्ल्यू की तरफ से कि सेक्शन 15 और 16 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि जब तक रिफॉर्म प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक उसको समाज में नहीं जाने देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोगों ने अर्ज किया था कि हम भी इस प्रपोजल को जो इंटरप्रिटेशन है उसका समर्थन करते हैं कि जुवेनाइल को है जब तक नहीं समाज में रिलीज करना चाहिए अगर इस प्रकार से जो सेक्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की काफी डिटेल में, यहां तक भी कि जो मेंटेनेंस प्रोग्राम, दूसरी आर्ग्यूमेंट डीसीडब्ल्यू ने ये रखी थी कि इसके अलावा इसको रिलीज किया जाए या नहीं रिलीज किया जाए, वो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष उनका ये था कि क्योंकि रूल्स के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस रूल्स हैं उसके तहत एक मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए और उसकी जो दौरान है उसकी जो पीरियड है वो 2 साल तक आफ्टर डिटेंशन भी हो सकती है स्पेशल रिफॉर्म होम में। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने इस बारे में भी सुना कि कोई मेडिकल बोर्ड सेटअप होना चाहिए या कोई कमेटी सेटअप होनी चाहिए, डीसीडब्ल्यू का ये आर्ग्यूमेंट थी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने सारी चीजें सुनकर पिटीशन का जो है दरखास्त कर दी, उसको डिसमिस कर दिया। ऑन द ग्राउंड की कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, इसलिए चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने यह कहा कि ये सब कानून के तहत होना चाहिए, इसलिए कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, उसके साथ ही हो सकता है। तो हमने यही कहा था कि कानून जो है अंडर प्रोसेस है, अभी राज्यसभा में बिल पेंडिंग है और सिलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ हुआ है। कानून बनाने के लिए जो जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और जो जिस प्रकार से एक प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस विषय को लिया जाए।